ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखा है मैंने, राइट साइड और लेफ्ट साइड का ये मिडिल पार्ट। अगर दूर से मैं इतनी सी जगह में अपनी कार को डालना चाहूँ तो मेरे रोड में, आगे रोड में मेरे पास इतनी सी स्पेस होनी चाहिए जिससे मैं मूव कर सकूँ अपनी कार को। अभी देखिए यहाँ पे भी वो सेम सिनेरियो है, राइट साइड से कार आ रही है, लेफ्ट साइड मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये रेड टैग तक वेट करूंगा, जैसे ही रेड टैग से बाहर किया इसको और फिर अपनी मूवमेंट कर ली। आप नोटिस करिए कितनी स्टेयरिंग का कंट्रोल करते हुए मैं अपनी कार का मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये जजमेंट हमें लेफ्ट और राइट साइड का इसी तरीके से होता है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हम अपना कार का मूवमेंट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करते हुए, तो इसी तरह से हमें करना है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी ये दोनों टैग के थ्रू, अगर मैं सामने थोड़ी दूरी में, थोड़ी दूर से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ या जजमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये ध्यान रखना है मेरा लेफ्ट का ये वाला टैग रेड वाला और राइट साइड का ये वाला टैग जो कि ये रेड टैग है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों टैग को मैच करेंगे आगे हम रोड में, जहां स्पेस मेरे को मिलेगी तो मेरी कार उतनी स्पेस में मूव हो सकती है। और अगर कोई चीज इसके बीच में आती है, कोई भी पोजीशन पे इसके बीच में कुछ भी आता है, तो मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट रॉन्ग हो जाएगा, हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी है कि मैं कार मूव कर रहा हूँ तो चांस है कि मेरी कार हिट हो सकती है। ये देखिए ये रेड टैग के बीच में आ गया मेरे, ये जो साइकिल है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में स्पेस नहीं है क्योंकि कार जो है रेड टैग के एग्जैक्टली पास में है, ये स्ट्रिप पे, रेड स्ट्रिप पे। तो मैं क्या किया हूँ, मैं स्लोली मूव किया हूँ जब तक वो साइकिल लेफ्ट की तरफ नहीं गई, और जैसे ही लेफ्ट की तरफ गई है फिर मैंने अपनी लोकेशन मतलब स्पेस देख ली, मेरे को स्पेस मिल गई, तब मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर ली अपनी कार की। तो ये जजमेंट हमें करना पड़ता है। अभी यहाँ भी सिचुएशन देखिए कितनी सी स्पेस है, मेरे को इस ट्रक को ओवरटेक लेना है। कंप्लीट राइट गया मैं, पहले रेड टैग से मैच किया, फिर येलो टैग से मैच किया और साइड से ओवरटेक ले लिया मैंने ऑपोजिट लेन में जाके, कंप्लीटली राइट साइड में ऑपोजिट लेन में गया, वहां से जाके मैंने ओवरटेक लिया उसको, उस ट्रक को। तो ये हमारा मूवमेंट होता है जब हम ट्रैफिक में या कहीं पे भी ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं जहां पे हमें लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट लेना होता है। कंप्लीटली इतनी सी स्पेस चाहिए होती है हमें लेफ्ट और राइट साइड की। अभी आप देखिए जैसे कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये टू वे रोड है, इसमें फ्रंट जो आगे से आ रहा है ट्रैफिक उसका भी ध्यान रख रहा हूँ मैं, और लेफ्ट साइड से जो मूवमेंट करना है मेरे को, मेरी पोजीशन पर भी ध्यान रख रहा हूँ कि रोड पे कौन सी पोजीशन पे मेरी कार है और कितनी अंदर की तरफ मैं ले जा सकता हूँ। अभी देखिए मैं एकदम अंदर की तरफ ले गया हूँ और हल्का सा राइट, आगे से बस आ रही है, मेरे पास देखिए स्पेस नहीं है, आगे से बस आ रही है और ये चल रहा है, तो मेरे को स्पेस की जरूरत थी तो मैं इसको फॉलो करने लगा। ये देखिए अब रेड टैग से बाहर किया इसको, येलो टैग से भी मैच किया जैसे ही पास में पहुंचा, फिर अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। तो ये जजमेंट हमें हर जगह में, आज आप छोटी गलियों में चलाएं, जैसे टू वे लेन में चलाएं, तो आपको ये जजमेंट हमेशा हर जगह करना पड़ेगा, तभी आपकी मूवमेंट जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट परफेक्टली कर पाएंगे। यही सिचुएशन होती है जब हम ड्राइविंग करते हैं किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो छोटी सी गली हो चाहे वो मेन रोड हो, आप ओवरटेक लेना भी चाहेंगे तो इसके थ्रू आप ओवरटेक भी ले सकते हैं, कहीं पे भी आप ड्राइव कर सकते हैं ये जजमेंट करते हुए। ओवरटेक लेने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप जब ओवरटेक ले रहे हैं थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रख लें, ये जो मेजरमेंट है इससे थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रख लें, तो क्या होगा कि आपकी कार, आप जब स्पीड में होते हैं, ओवरटेक ऑब्वियसली स्पीड में लिया जाता है जब आप हाईवे में या सिटी में ओपन स्पेस में थोड़े से होते हैं, तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रखने से क्या होगा कि आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर वो कार लेफ्ट या राइट की तरफ आती है या थोड़ा सा मूवमेंट इधर से उधर होता है तो आपके पास स्पेस रहेगा थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपने एग्जैक्ट ये मार्किंग से ओवरटेक नहीं लेना है जब आप स्पीड में, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना थोड़ा गैप आपने ज्यादा रखना होगा अपनी कार में, और ताकि आप मूवमेंट कर सकें। तो ये लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट हमारा इसी वजह से, इसी तरह से ही सही होता है जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, और आप देख रहे हैं जैसे कि आगे मूवमेंट आ रहा है, सामने से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, मैं लेफ्ट का जजमेंट ले रहा हूँ ताकि मैं कार को अपनी कम्प्लीटली लेफ्ट साइड में, रोड के कम्प्लीट लेफ्ट साइड में रख सकूँ, वो जजमेंट लेते हुए मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए रोड ऐसा ही है जिस हिसाब से मेरे को आगे कंडीशन देखते हुए मूव करना पड़ रहा है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, हॉर्न लगा लेते हैं ताकि हमारा मूवमेंट, अभी देखिए यहाँ से टर्निंग ले लिया मैंने,
या लेफ्ट साइड का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो स्पेस हमें ये देखनी होगी कि हमारे लेफ्ट में कितनी स्पेस है। ये जजमेंट हम इसी से लगाते हैं, जितनी दूरी से 5 फीट की दूरी से अगर मैं ये टैग को मैच करता हुआ चलाता जाऊंगा अपनी कार को, सपोज ये रोड का एंड है, ये रोड के एंड में मेरे को कंप्लीट लेफ्ट साइड में रखनी है अपनी कार। ये देखिए मैं कंप्लीट लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। ये जजमेंट मैंने कैसे किया है, राइट साइड का टैग मिडिल रोड से, रोड के मिडिल पार्ट में मैच कर रहा हूँ, और ये लेफ्ट साइड का टैग जो कि रेड टैग है, ये मैं मैच कर रहा हूँ रोड के एंड से। इससे मेरे को ये लग रहा है कि मेरी व्हील्स जो है एग्जैक्टली रोड के इस एंड में है। ये देखिए रेड टैग में आए, हल्का सा मैं राइट गया, वापिस आ गया अपनी लेन में। तो ये मैं रोड के एंड पार्ट में अपनी कार को चला रहा हूँ कंप्लीट लेफ्ट में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा लेफ्ट पार्ट में मेरे को जाना है, राइट पार्ट में कार आएगी या कोई भी व्हीकल आएगा तो मेरे को उसके लिए स्पेस छोड़नी है, टू वे रोड है इसलिए। तो मैं कम्प्लीटली लेफ्ट में कैसे रख रहा हूँ, यही टैग से मैच करते हुए अपनी कार को कम्प्लीट लेफ्ट में रख पा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आप, रोड थोड़ा सा खराब है, स्लो मूविंग कर रहा हूँ मैं कार को ताकि मैं मूव कर सकूं और जर्क ना हो, इसलिए मेरे को ये देखिए रोड खराब है तो स्लोली कर लिया मैंने, सेकंड गियर लगा लिया। अब मेरी मूवमेंट देखिएगा आप कार में, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट आप मेजर करिएगा। ये दो टैग से मैं जो मेजरमेंट लगा रहा हूँ वो सही तरीके से आप समझ सकिएगा आगे जो भी व्हीकल आ रही है। देखिए बाइक आ रही है, बाइक को मैंने रेड टेप से बाहर की तरफ रखा, जैसे ही मेरे को लगेगा, ये देखिए इतनी सी स्पेस थी, मैंने मूव कर ली अपनी कार को, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस का समझ में आ गया है कि मेरे को ये टेप से मेजरमेंट लगानी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट सही तरीके से इसी तरह करना है। अभी देखिए आगे जो साइकिल चल रही है, रेड टेप से मैंने देखिए दूरी से मैनेज किया, रेड टेप में मैच हो गया, हल्का सा राइट गया क्योंकि एग्जैक्ट रेड टेप में था वो साइकिल, अगर मूवमेंट हल्की सी राइट की तरफ करते तो वो मेरे को हिट कर देते। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कर ले रहा हूँ उनसे, ताकि साइकिल है वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट होते होते पैडलिंग करते करते स्लो होते हैं, तो राइट और लेफ्ट ऐसे तक जाते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है हमें। अभी देखिए जो वाइड स्ट्रिप आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, इसको मैं मैच कर रहा हूँ। ये देखिए कंप्लीटली मैं यहां से अगर मैच कर रहा हूँ तो मेरा रेड टेप जो है एग्जैक्ट उस लाइन पे चल रहा है, तो मेरी कार जो है लेफ्ट पार्ट में वो व्हाइट स्ट्रिप पे मैं अगर कार चलाना चाहूँ तो ये रेड टेप से मैं मैच कर लूंगा एग्जैक्टली। ये देखिए ये कंप्लीट मैं लेफ्ट में आ गया, सामने से व्हीकल आ रही है, सामने से कार आ रही है, उसको भी जजमेंट में रखना है मेरे को, ये रेड टेप से बाहर की तरफ रखा मैंने, और रेड टेप पे अगर एग्जैक्टली आ जाता है तो रिस्की जोन हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको ओवरटेक ले रहा हूँ, सामने से ऑटो आ रहा है, तो मैंने क्या किया कंप्लीट लेफ्ट आ गया ताकि मैं मूव कर सकूं इजीली अपनी कार को। तो ये जजमेंट हम कहीं पे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड का जैसे हम बता रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए प्लांट लेके खड़े हैं जो, तो इनको मैंने दूर से जजमेंट लगाया, प्लांट पे भी टच नहीं होगी मेरी कार, क्योंकि मैंने जजमेंट में ये दूर से इसका जजमेंट लगाया जैसे ही 5 फीट की दूरी तक पहुंचे हैं, एकदम दूर से नहीं लगाना हमें, जैसे ही हम 5 फीट की दूरी में पहुंचेंगे कार एकदम 5 फीट दूर होगी उससे, तब हमारी इसका जजमेंट लगाना है हमने, फिर जब एकदम पास पहुंच जाएंगे तो वो येलो टैग के बाहर की तरफ करना है, इससे मेरा लेफ्ट का जजमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा और मैं अपनी कार को मूव कर सकूंगा। यहाँ पे आप देखिए ट्रक जो है राइट साइड में खड़ा है और मेरे पास लेफ्ट में ही स्पेस है, इतनी सी ही स्पेस है, व्हाइट स्ट्रिप आप लेफ्ट में देखिए इतनी सी स्पेस है और मैं मूव कर रहा हूँ। ये मैंने कैसे किया, ये दोनों टैग को मैच करते हुए किया। अभी देखिए मेरे पास एकदम भी स्पेस नहीं है सामने से जो आ रहा है, ये देखिए ये मैंने मूवमेंट किया कंप्लीट लेफ्ट चला गया, ये जो रेड टेप है मैंने उसके साथ मेजर की, जो वाइट स्ट्रिप सामने से आ रहा है लेफ्ट साइड में वाइट स्ट्रिप थी जो, उसके साथ मेजर किया और राइट साइड का ये ध्यान रखा कि राइट साइड में इसके साथ टैग के साथ मैं मैच करूंगा। तो जैसे ये चीज कर लिया मैं और मेरा मूवमेंट आ गया, मैं स्पीड इंक्रीज कर दी अपनी कार की और आगे बढ़ लिया।